अगर मैं आपकी फेवरेट समर मील पूछूं तो क्या होगी? मेरी है कर्ड राइस। हेलो, मैं हूँ पायरेट ऑफ किचन मोनिका और आज हम बनाने वाले हैं कर्ड राइस। ये मेरी बहुत ही फेवरेट डिश है और ये समर्स में मैं बहुत खाती हूँ। समर्स में आपकी बॉडी को कूल रखता है, बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत हैसल नहीं है इसमें। आप चाहें तो रखे हुए राइस से भी बना सकते हैं और इसमें जो तड़का लगा दें वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें सारे साउथ इंडियन फ्लेवर्स हैं और आपको भी बहुत पसंद आने वाला है ये। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ इंडियन कर्ड राइस। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पर। कर्ड राइस बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून ग्रीन चिलीज चॉप्ड, धनिया गार्निश के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल, 1/2 कप राइस सोक्ड, 1 कप दही यानी कि कर्ड, अनार के दाने गार्निश के लिए, 1 टीस्पून उड़द की दाल, कश्मीरी लाल मिर्च, राई के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड्स 1/2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून कैश्यू नट्स यानी कि काजू कटे हुए, 4 से 6 करी लीव्स, 2 तरह के सॉल्ट ले रहे हैं, ब्लैक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट, और हींग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चावल को पकाएंगे। ये सोक्ड राइस है 1/2 कप। आप चाहे तो इसे बचे हुए चावल से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको राइस बहुत सॉफ्ट चाहिए। तो हम इसमें अब डालेंगे 1.5 कप पानी। इसके लिए हमें सॉफ्ट मशी राइस चाहिए, तो हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं जैसे आप नॉर्मल राइस बनाते हैं, बस आपको खिले हुए नहीं बनाना है। ये देखिए हमारे राइस कुछ इस तरह से तैयार हो गए हैं 10 से 15 मिनट में। अब हम अपने राइस को एक बोल में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और उसके बाद हम इसमें कर्ड डालेंगे। अब उसे साइड में रख देंगे और अपना तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद राई के दाने यानी कि मस्टर्ड सीड्स, फिर हींग, आप चाहे तो हींग अवॉइड कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते, उड़द दाल, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है आपके कर्ड राइस को। ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा। हमने डाला कश्मीरी ड्राई रेड चिली, के बाद कैश्यू यानी कि काजू, अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं, पीनट्स और ग्रीन चिलीज। अच्छे से रोस्ट कर लेना है सारी चीज़ों को ताकि जब हमारा तड़का लगे, जब हम खाएं उसे, तो बहुत एक बढ़िया सा क्रंच दे, एक बाइट दे। करी लीव्स और बढ़िया से इसे फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारा सॉल्ट। ये वाइट सॉल्ट मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून और हमारा टेम्परिंग यानी कि तड़का तैयार है। हमारा राइस भी ठंडा हो गया है तो अब इसमें कर्ड डालते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप कर्ड यानी कि दही ले रही हूँ। ये दही को अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है राइस के साथ। आप यहाँ पे खट्टा दही का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। अब हमारा ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, ये काला नमक एक डिफरेंट फ्लेवर देता है इसे। आप चाहे तो नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे निकालूंगी एक बोल में और अब हम अपना जो टेम्परिंग है यानी कि जो हमारा तड़का है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, दिस इज द बेस्ट पार्ट, ये मुझे बहुत पसंद है। इसे हम गार्निश करेंगे धनिया के साथ, धनिया की पत्तियां, आप चाहे तो मिंट लीव्स भी डाल सकते हैं, और ये अनार के दाने, और हमारा साउथ इंडियन कर्ड राइस तैयार है। ऐसे ही हेल्दी, इंटरेस्टिंग और मजेदार रेसिपीज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अभी के लिए टाटा।